डरा धमका कर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना बेहद खतरनाक है और ये चिंता जताई है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसके बाद भी धर्मांतरण गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। आज हम एक ऐसे ही गैंग को आपके सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं जो जबरन उनका नाम बदल देते हैं, जो जन्म से हिंदू बच्चों को लेकर आते हैं लेकिन आधार कार्ड में उनको मुसलमान बना देते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला यह मामला सामने आया मध्य प्रदेश से। अध्यक्ष साहब ने बताई कि मुस्लिम नाम से आधार कार्ड बन चुके हैं। क्या नाम तुम्हारा? अचिन परवेज। अचिन परवेज तुम जेल जाओ क्योंकि तुमने आधार कार्ड में बच्चों के नाम बदले। तुम इनका धर्मांतरण कर रहे हो। शिवा को सहरू बना दिया, रानी को सुहाना बना दिया, शिवानी को रुखसाना बना दिया। और भी ऐसे कई बच्चे हैं जो जन्म से हिंदू हैं मगर नाम से मुसलमान, और ये सारा खेल रचा गया धर्मांतरण की दुकान चलाने वालों के द्वारा। 8 दिन बाद में हमने बात की तो मैडम ने ये बोला कि तुम्हारे बच्चे मिल नहीं पाए। सोसाइटी में कितने लोग होते हैं? अब वो डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं। डॉक्यूमेंट इनके पास? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सोसाइटी संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं। धर्म बदलने वाले गैंग को एक्सपोज करने वाला ये खुलासा हुआ मध्य प्रदेश के रायसेन में। गौहरगंज इलाके के इसी गोदी शिशु गृह में मध्य प्रदेश बाल आयोग की टीम पहुंची तो यहां से जो जानकारी मिली उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। बाल आयोग की टीम ने 3 बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने अपना नाम हिंदू बताया। बच्चों का कहना है कि वो 2 साल से गौहरगंज के इसी शिशु गृह में रह रहे हैं। इन बच्चों की उम्र 4 से 6 साल के बीच बताई जा रही है। हैरानी की बात यह कि तीनों ही मासूम सगे भाई बहन हैं जिनके पिता का नाम है हरपाल सिंह मगर आधार कार्ड में कोई और है। कागज झूठ नहीं बोलता ना, कागज में लिखा हुआ है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सरकार के अधिकारी ने बनाई है जो बाल गृह के दस्तावेजों में शामिल है, जहां उन बच्चों के पिता का नाम है, माँ का नाम है, उन बच्चों के हिंदू नाम है। उसके बाद उसने ये बदमाशी की है, ये अपराध है। बाल गृह के संचालक ने न सिर्फ बच्चों की असली पहचान को छुपा कर रखा बल्कि 2021 में बनाए गए आधार कार्ड में गार्जियन में पिता की जगह अपना नाम भी लिखवा दिया। खुलासा ये भी हुआ है कि 2020 में ही इन धर्म परिवर्तन कराने वालों को ये जानकारी मिल गई थी कि ये बच्चे हिंदू हैं। अगर आपको इस खुलासे पर यकीन नहीं हो रहा तो इनसे मिलिए। ये हैं इन बच्चों के पिता, नाम हरपाल सिंह लोधी। आप सुनिए जरा कि हरपाल सिंह लोधी कैसे धर्मांतरण गैंग को बेनकाब कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम नाम से नहीं रखेंगे सर, हिंदू। क्या नाम? हिंदू नाम शिवा रानी और शिवानी। और अभी क्या नाम रख दिए इनने? अभी तो अध्यक्ष साहब ने बताया है कि सहरू, सुहाना और रुखसाना। बच्चों का नाम बदलने वाला गुनाह करने वाला आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसका नाम है हसीन परवेज, यही है रायसेन के गोदी शिशु गृह का संचालक। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आप देख लेते हैं।